जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में महिला का कंकाल बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की शिवधाम कॉलोनी में रहने वाली महिला लक्ष्मी देवी के अपहरण की सूचना महिला की मां द्वारा कोतवाली पुलिस को देकर उसके ससुर और पति पर आरोप लगाया गया। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने कबूल किया कि हमने उसकी 11 जनवरी को हत्या करके उसकी लाश इस्लामनगर रोड पर बरे के पुल के नीचे फेंक दिया है। पुलिस दोनों अभियुक्तों को लेकर मौके पर पहुंची तो वहां एक महिला का कंकाल भी बरामद हुआ। इस मामले में मृतका लक्ष्मी की मां कमलेश कुमारी ने बताया कि इससे पहले भी ससुर और पति उसके साथ मारपीट करते थे। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की मां ने अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए उसके ससुर संजीव पाठक और पति वैभव पाठक के विरुद्ध तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने आज मृतका का कंकाल इस्लामनगर रोड पर बरई के पुल के नीचे से बरामद कर दोनों आरोपियों के हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। मेरी बेटी 24 नवंबर के लिए थाने में अपनी शिकायत लेकर आई थी। उसके ससुराल वालों ने उसके लिए पीड़ित किया था, उसके पति ने मारा और उसका ससुर उसका बलात्कार करना चाहता था। उसके ससुर ने उसके पेट में लातें मारी थी और उसने यहाँ पर जो है शिकायत करी दीपा सिस्टर के पास में, जो है तहरीर लिखवा के गई थाने में चंदौसी थाने में तहरीर लिखवा के गई, मगर मुझे कोई सूचना नहीं दी, ना पुलिस वालों ने दी ना मेरी बेटी ने दी। मेरी बेटी का मोबाइल ससुराल वालों ने छीन लिया, इसलिए बेटी मुझे नहीं बता पाई। और तहरीर जो दी थी थाने में वो क्या था? 13 तारीख के लिए मैंने तहरीर दी थी कि मेरी लड़की जो है गुमशुदा कर दी है। आपकी बेटी ने जो यहाँ पे तहरीर दी थी वो 24 नवंबर को, फिर क्या हुआ यहाँ थाने वालों ने क्या करा? थाने वालों ने उसके साथ फैसला कर दिया और यहीं से विदा कर दिया, मुझे नहीं बुलाया। मतलब आपके बेटी के ससुर और उसने फैसला करवा दिया। अच्छा। मगर मुझे किसी ने सूचना नहीं दी ना। आपको कैसे पता लगी पुलिस ने फैसला कराया? मुझे ऐसे पता चला कि मैं यहाँ आई थी, थाने में आई थी, तो मैंने दीपा सिस्टर से कहा कि मेरी बेटी कभी कोई शिकायत लेके आई? मुझे पड़ोसियों ने बताया कि 24 नवंबर को आपकी बेटी कोतवाली गई थी, तो मैंने यहाँ आकर देखा तो रजिस्टर में 24 नवंबर को शिकायत लिखी हुई थी और उन्होंने यहीं से पुलिस ने जो है कोतवाली से ही फैसला करके उसके लिए उनके ससुराल वालों के साथ भेज दिया। मगर मुझे ना लड़की ने बुलाया ना उनने बुलाया, लड़की पर कोई मोबाइल नहीं था और उसके ससुराल वालों ने भी मुझे नहीं बताया। जब लड़की मेरी इन लोगों ने मार दी है तब मुझे पता चला है। मैं 13 तारीख को यहाँ तहरीर लिखाने आई थी, मगर जो तहरीर में मैंने यही लिखा था कि मेरी लड़की नहीं मिल रही है, ये दहेज मांग रहे हैं, दहेज की वजह से मेरी लड़की जो है गायब कर दी है। फिर अब 20 तारीख को एक महिला थाना चंदौसी पे अपनी पुत्री के अपहरण करने की सूचना दी, जिसमें उसके पति और ससुर पर आरोप लगाया गया था। इस चंदौसी पुलिस द्वारा उसके तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और छानबीन में पुलिस जुट गई। जब दोनों व्यक्तियों को पकड़ के थाने पर लाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा ही 11/1/21 को उक्त लड़की को मार के बर्रई और इस्लाम नगर रोड पर पुल के नीचे फेंक दिया गया है। पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर के उस जगह पे घटनास्थल पे गई और वहाँ पे उस महिला का कंकाल बरामद हुआ, कुछ कपड़े बरामद हुए हैं। अब पुलिस इसके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।